मेरे पाकिस्तान की माओ बच्चियों बेटियों, पाकिस्तान के दानश्वरों, वकला तालिब इलम, मेरे आर्मी से तल्लक रखने वाले काबिल कदर एक सिपाही से लेकर जनरल तक, तमाम मुल्क के जजेस, और फिर मैं मुखातिब हूँ सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी से। मेरे दोस्तों, वाकिया कुछ इस तरह है कि मैंने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह के फजल से ये कहा कि मुझको इसलिए कोई दबा नहीं सकता कि अल्लाह के फजल से मैंने करप्शन नहीं की, मैंने इस मुल्क की कोई चीज ली नहीं, इस मुल्क को दिया है और उसकी सारी तफसील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया टॉक के अंदर जो है आपने वो सुनी। मेरे मुल्क के लोगों, सुनो हमारा मुल्क कितना दूर जा चुका है। मैंने ये भी कहा कि मेरी कोई वीडियो गैर अखलाकी मेरे मुल्क के लोगों के पास, मुक्तदर हलकों के पास नहीं होगी। मैं गलत था, मैं सरासर गलत था। सुन लो क्या हुआ है, और मुझे शर्म आती है अपनी माँ और बेटियों से जो अपने घरों में इज्जत के रिश्ते से मेरी इस बात को सुनती होंगी। वाकिया ये है कि 20 अगस्त कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे, 20 अगस्त को, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज रात को क्या हुआ और क्यों मैं ये प्रेस रिलीज पूरे पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ। 9 बजे के करीब आज रात मैं यहाँ था, मेरी बीवी इस्लामाबाद, उसने मुझे कॉल किया, उसकी चीखो पकार हिचकियाँ बंद नहीं होती थी। मैंने बड़ा जब्त किया कि शायद मेरी उन पोतियों को किसी ने कत्ल कर दिया है और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। मैं बार बार जोर जोर से कहता, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। से आवाज नहीं निकलती थी, चीखो पुकार के रहा। एक दफा, दो दफा तंग हुआ, ये सिलसिला कुछ 4-5 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मेरी बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाकये के लिए आई हुई है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी दो जवान बेटियां हैं, न मुझसे और न हमारी तुम्हारी माँ से तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई है, हमने तो तुम्हें इस तरह अपने हाथों में नहलाया और बड़ा किया है। मेरी सबसे अजीज, अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं, मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा जरा थोड़ा ठहरो, वो गई माँ को मनाया तो माँ ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने
बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं, और उस वीडियो में तुम हो, आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूँ और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूँ। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के लिए गारम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। देखा बेटा ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है क्यों? उसने कहा कि जब आप क्वेटा गए थे, ये उसकी वीडियो है, सादिक सिंगरानी साहब तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी, तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी अंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ्फुज करने के लिए वहां पे इंतजाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज क्वेटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, मेरी आखरत समाया था, मेरी पोतियां जिनको मैंने अमरीका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के बासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आजम ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाए, मिलियनों डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा, वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे, करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस
और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं, अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतजाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आईएसआई के लोगों से तुम्हारा बैठना उठना जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, मैं तो 2001 के अंदर इस मुल्क में आया था कि इस मुल्क की खिदमत करूं। इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन क्या आईएसआई की ये काली भेड़ें जिन्होंने इस मुल्क की रवायात को, इस मुल्क के अखलाक को, इस मुल्क के करदार को तबाह करके रख दिया है, सब ठेके इनके, लोगों को लड़ाते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्ल करते हैं। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी प्यारी बीबी जो नानी भी थी और दादी भी थी, मेरी बहू और मेरी 3 पोतियां हिफाजत से यहां से निकल चुकी हैं। किस मुल्क से? ये अफ्रीका नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक बना। बाजवा साहब, मेरे खानदान के कितने लोग सिपाही से लेकर लेफ्टी जनरल तक इस मुल्क की खिदमत की, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना करीब है। जब भी हमारी हुकूमत के हमारी कभी मुलाकात हुई, आपने हमेशा स्वाति साहब के नाम से याद किया मुझे। मैं नाम नहीं लेता इस मीडिया के ऊपर, लेकिन आप जानते हो कि आपका एक बहुत बड़ा करीबी, मेरे पूरे खानदान का उससे कितना करीबी तलक है। 25-30 साल से मेरे कितने खानदान के लोग आपके उस बड़े के करीबी दोस्त हैं, मैं खुद उसका दोस्त हूं। और मैंने तो सिर्फ चंद दिन पहले ये कहा था कि बाजवा साहब, अयाज नाम का असिस्टेंट डायरेक्टर है, लोगों की बातें ना सुने, फहीम और फैसल की बातों को ना सुने, इसलिए खुदा जाने कि इन काली भेड़ों का एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा तो मेरे मुल्क के सिपाही से लेकर जर्नेल तक उसकी इज्जत करना है। अमरीका के अंदर जो है, जब हमारे सारे वहां पे आप लोग ट्रेनिंग पे अफसर जाया करते थे, मैं उनकी खिदमत करता था, सारी दुनिया जानती है। और पीस फोर्स के अंदर आपने तो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। मेरा सिपाही, मेरे मुल्क का महाफज हर रोज सरहदों पे गिरता है, और उसके लिए हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। मेरी तो ट्वीट देखो, जब कोई शहीद होता है तो मैं क्या कहता हूं। और मेरा कसूर सिर्फ यह है कि 16 अरब रुपया मेरे इस गरीब मुल्क का वो माफ किया गया, उस मैंने आपको ट्वीट की। वो मेरा तो कानूनी और आईनी हक है, और क्या उसका बदला ये काफी नहीं था?
कि जब एक आदमी करप्ट नहीं है, उसकी कोई फाइल नहीं है, उसकी कोई अखलाकी फाइल नहीं है, दुनिया जानती है मुझे, तो फिर उस माँ से, उस नानी और दादी से बदला लिया जाए। जिन लोगों ने ये किया, उस जमीन फट क्यों नहीं गई? मैं पूछता हूं दानिशवरों, वकला और जजेस, जमीन फट क्यों नहीं गई? और कहां पर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल लॉजेस क्वेटा के अंदर 20 अगस्त को कुरान मजीद देखो पढ़ने वालों, क्या कह रहा है मेरा परवरदिगार आपके लिए और मेरे लिए क्या पैगाम दे रहा है कि इस वक्त के अंदर जो है किसी को इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि बीवी और खामन उसकी तुम वीडियो बना रहे हो। कौम का नौजवान, क्या उन मासूम आर्मी के सिपाहियों से लेकर जनरल तक नफरत नहीं करेंगे कि उसी वर्दी के अंदर ये काले भेड़िए इस मुल्क की अखलाकियात को इतना गिरा दिया है कि लोगों की जबानें बंद करने के लिए ये मासूमों का कत्ल मुल्क से और मुल्क से बाहर भी करते हैं। मेरे पास तो सवाए इज्जत के कुछ भी नहीं था, इस मुल्क में बड़ा हुआ और फिर सब कुछ इस मुल्क को दे रहा हूं, कौन सा कसूर था? और अब तो अल्लाह का शुक्र है किस तरह मेरी बीवी गई होगी, जिसके साथ 16 साल की उम्र में मैंने शादी की, अपनी पसंद की शादी की, जिसने मेरे पोतों को, नवासों को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को यतीमों और मस्कीनों के लिए, और एक महीने में 10 दिन वो रोजे रखती है, उसकी इज्जत को मुल्क के जजेस इतना आसान है, इतना सस्ता सौदा किया निजामों ने। ए मेरे मुल्क के मीडिया के लोगों, कब तक तुम्हारी जबानों के ऊपर जो है ताले लगेंगे? कब तुम्हारी जबान खुलेगी अपने इस मुल्क के लिए? क्या हो रहा है नीचे? बाजवा साहब, क्या आज भी आप नहीं पूछ सकते कि इस मुल्क की एक बेटी मां, जो दादी भी है और नानी भी, उसको मुल्क छोड़ने पे क्यों मजबूर किया गया? क्या कसूर था उसका? मेरा कसूर सही कि मैंने ट्वीट किया? क्या कसूर था मेरी बहू का, जो आपकी बहू है? क्या कसूर था मेरी पोतियों का, जो मेरे मुल्क की और आपकी पोतियां हैं? बाजवा साहब, इस मुल्क के कौम को बताओ कि इस मुल्क को किस डिगर के ऊपर जो है हम लेके चल रहे हैं, और वो कौन लोग इस पे तुले हुए हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आर्मी की वर्दी से नफरत करे? और मेरे मुल्क के लोगों, जिस वक्त ये नफरत पैदा होगी तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क वो लोग जो इस मेरे मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दफा जो है हमारी फौज है, और फौज तब ताकतवर है कि उसके साथ आवाम खड़े हों। बाजवा साहब, यही बात तुमने की, वही बात मैं कर रहा हूं। और जब आवाम गिरेंगे, नफरत पैदा होगी, तो मेरे और आपके दुश्मन का सीना ठंडा होगा, और यही वो चाहते हैं कि मुल्क शाम बने, लबनान बने, इराक बने, लीबिया बने। चंद्रानी साहब, फिर कहता हूं,
मैं तुम्हारे घर के अंदर था, मुझे मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के उस लाजिज के अंदर भी ये काले भेड़िए बाहर की नहीं मियां और बीवी के साथ जो है इतना गिरावट, इतना गैर अखलाकी काम। और क्या मेरे मुल्क की सारी बच्चियां और माएं आपसे नहीं पूछेंगी कि ये क्या हुआ है? क्या मेरे मुल्क का मुअर्रख जो है ये नहीं पूछेगा कि इन बच्चियों को, इन माओं को क्यों मजबूर किया गया कि मुल्क को छोड़े, अपने मुल्क को छोड़े? मैं अपने वकीलों से कहता हूं, कहां है तुम्हारा बार और बेंच का निजाम? कब इंसाफ के तराजू के नीचे खड़े होकर तुम सच की आवाज बोलोगे कि मैं तो आखिर वकील भी तो हूं और मैं पार्लियामेंटेरियन से, कब तुम्हारी तालों की जबानें खुलेगी? अक्रॉस द बोर्ड कब ये तुम बोलोगे कि इससे बढ़कर कोई और जुल्म पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना गिरा हुआ जो है वो नहीं हो सकता? मैं कौम की माओं को कहना चाहता हूं, कौम की बेटियों को कहना चाहता हूं, इस जुल्म की आवाज अब नहीं बंद कर सकते। अब एक काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा ये अजम, हकीकी आजादी का अजम, ये बढ़ता रहेगा। मेरे मीडिया के लोगों, तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचती है। अब इनके पास एक ही हरबा रह गया है, वो मुझे कत्ल करेंगे। मैं बता देता हूं कि मेरा कातिल राणा सनाउल्लाह होगा, मेरा कातिल मेजर जनरल फैसल होगा, मेरा कातिल सेक्टर कमांडर फहीम होगा। और अगर बाजवा साहब ने मेहरबानी की और अयाज को जीएचक्यू ले गया तो उस वक्त का वाकया भी और आज का वक्त का वाकया भी, लेकिन ये आईएसआई के इन काली भेड़ों के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। अयाज जो एफआईए का डायरेक्टर है, उसके साथ जो तीन आईएसआई की काली भेड़ें थी जिन्होंने ये वीडियो बनाई, यही आईएसआई की काली भेड़ है। और मुझे अगर कत्ल करेंगे, मैं अपने मौत की दवा नहीं कर सकता, मैं खुदकशी नहीं कर सकता, हराम है। इसलिए इसी मुल्क के अंदर खुदा के फजल से रहूंगा और इस जुल्म का, इतना बड़ा जुल्म, जब आप जाएं घर में सोचें कि क्या कभी पाकिस्तानी माशरे के अंदर आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो मेरे मुल्क की इस अजीम फौज के असली दुश्मन हैं? और क्या बाजवा साहब 5 मिनट के अंदर इन लोगों को अनअर्थ नहीं कर सकते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किया है और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज की तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे यकीन है कि आपका ये कैमरा, आपकी ये कलम नहीं रुकेगी। इसलिए कि अगर रुक गई, फिर कोई आजम सवाती, फिर उसकी पोतियां, फिर उसकी बहू और फिर उसकी बेगम इंसाफ
रेड़ी पांव और रगड़ रगड़ के दम तोड़ देंगी, और फिर खुदा जाने पाकिस्तान आपकी सहाफत और आज़ाद मीडिया की आवाज़ खुदा जाने क्या होगी। मैं कोई सवाल नहीं लूँगा, इसलिए कि उसका जवाब सारी दुनिया में मेरी बेटियां माएँ सुनेंगी और मुझ में मज़ीद सकत नहीं। या परवरदिगार, अगर वाकई उस माँ किया है, इस बाप किया है, मेरी पोतियों को जिस कार के साथ भेजा गया, तो फिर मेरे परवरदिगार जुल्म पे अपनी बिजली बुकरा, और मेरे मुल्क के लोगों उठो, अगर इसी तरीके से हमने बुजदली का सबूत दिया, इसी तरीके से हमारी वीडियो बनती रही और हम जमीर के सौदे करते रहे, उनके सामने झुकते रहे, तो खुदा की कसम ना सहाफत इस मुल्क को बचा सकेगी, ना पाकिस्तान की बहादुर फौज, नहीं पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।